अरे ओ पिता, कहाँ गई तू? पिता! मम्मी, क्या बात हो गई? तुम इतना चिल्ला क्यों रही हो? पिता कहाँ है? चाची जी, क्या हो गया? चाची जी, तेरी बहन चली गई? हाँ जी, आपको कुछ काम था उससे? तेरे मायके वाले अगर यहाँ नहीं है तो मैं तेरे से खुल के बात कर सकती हूँ ना? मुझे ये पता करना है कि इस घर में जो कुछ भी हुआ है उसके लिए तू जिम्मेदार है। जी, ऐसा क्या हुआ है चाची जी? मतलब अगर कुछ गलत हुआ है आज के दिन में और आपको लगता है कि मेरी लापरवाही से हुआ है तो आई एम सॉरी, आप मुझे बता दीजिए, मैं अभी ठीक कर देती हूँ। कुछ लाना है आपके लिए? मुझे कुछ नहीं चाहिए, अक्षय का फोन चाहिए, दे। लेकिन पम्मी, वो फोन तो खो गया है ना? क्यों भाभी, इतना जरूरी फोन था, खो गया? खोना नहीं चाहिए था ना? मम्मी कैसी बातें कर रही, क्या हुआ? सच्ची बात कर रही हूँ। ये प्रीता, जब देखो अपनी बहन और अपने मायके वालों में इतना बिजी रहती, ये भूल जाती है कि ये इस घर की बहू है। अरे इसे तो कोई पड़ी ही नहीं है कि इसका इसका पति जेल में है और वो भी इसी की वजह से। मामी जी, आप क्या बोलने जा रही हैं? तू चुप रह। तुझे अगर मायके वालों से फुर्सत मिल गई है ना तो जरा जरा ससुराल में ध्यान दे। मायके वालों से अपना दिल हटाकर थोड़ा ससुराल की जिम्मेदारियों में अपना दिल लगा। राखी जी, बात कीजिए वरना मेरा बोलना ठीक नहीं लगेगा। महेश जी, आप शांत हो जाइए, मैं बात करती हूँ। पम्मी, क्या हो गया तुझे और इतनी अजीब सी बातें क्यों कर रही हो? ये मैका, ये ससुराल, ये सब क्या बातें लेके बैठ गई तू? पम्मी, ये बात तुम भी अच्छे से जानती हो कि जब कोई लड़की अपना मैका छोड़ के ससुराल में आती है तो अपना घर, अपना परिवार, अपनी माँ, सबको छोड़ के ससुराल आ जाती है और फिर यहाँ आके नए रिश्ते बनाती है, उन रिश्तों में रच जाती है, बस जाती है। इसका ये मतलब तो नहीं हुआ ना कि वो अपने मैके वालों को भूल जाए, अपने पुराने रिश्तों को भूल जाए, अपनी जड़ों को भूल जाए? ऐसा नहीं होता पम्मी, तो प्लीज प्लीज ऐसी बातें मत करो। करूंगी, मैं ऐसे ही बातें करूंगी क्योंकि मुझे मेरे करण की बहुत फिक्र है, समझे आप? अगर इसने इतना ध्यान मायके में नहीं दिया होता तो इसका ध्यान फोन पे होता ना? लेकिन इसकी गैर जिम्मेदारी तो देखो, अरे इसे तो कोई पड़ी ही नहीं है फोन की। अगर वो फोन होता तो हमारा करण जेल से निकल सकता था ना? पर चाची, वो फोन खोया ही नहीं है।